पास गया, उतारने लगा तो कहां रह रहे थे? मूसा उतार दे, महबूब रहने दे। अर्ज किया, मौला मैं तो इसलिए उतार रहा हूं कि तब मूसा को भी उतारने का हुक्म हुआ था, वो तो वादी ये दुआ में था, ये तो तेरा अर्श है, मैं उससे भी ज्यादा पाक है। फरमाया यही तो बताना चाहता हूं, वो मूसा है, तू मोहम्मद है। वो जूता मूसा का था, ये जूता तेरा है मोहम्मद। ये अर्श कब से तेरे इश्क में बेकरार है, अपने जूतों के समय चले आ ताकि मेरे अर्श में बेकरार आ जाए। मूसा का जूता, जिसके कदमों से लगने वाला जूता भी अर्श में चला जाए उसी को रहमत आलमीन कहा जाता है। बोलिए उसी को, बोलो सुनियो, अगर मजा आ रहा है, जिसका जूता अर्श में चला जाए। सैयद दीदार अली शाह साहब, किसी ने पूछा, एक मौलवी था उनके इलाके में, मौलवी बड़ी बहस से सिर्फ तौहीद पे बयान करता था, सिर्फ तौहीद पे, ये भी अल्लाह देता है, ये भी अल्लाह देता है, ये भी अल्लाह देता है। किसी ने उसके सामने कहा, ये मुर्गी कोंडा कौन देता है? कहने लगा अल्लाह देता है। भैंस को बच्चा कौन देता है? कहने लगा अल्लाह देता है। दीदार अली शाह साहब के पास ये बात पूछी कि वो हर बात सिर्फ तौहीद ही करता है, कभी रिसालत की बात नहीं करता। आपने फरमाया अब जब वो हर बात में कहना ये भी अल्लाह देता है, ये भी अल्लाह देता है, जरा उससे ये भी जाके कहो कि जूतों समेत महबूब को आर्श में भी खुदा ही लेके जाता है, ये भी खुदा की शान है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है, और शान है मुस्तफा दुनिया में मुनकर माने या ना माने, नहीं मानते कोई बात नहीं, अल्लाह ने कयामत को सजाया ही शान मुस्तफा दिखाने के लिए, कयामत के लिए। आखिरी बात कर रहा हूं, और कयामत को रहमतुल आलमीन की रहमतुल आलमीन दिखाने का मुजाहरा होगा, शान रहमतुल आलमीन नजर आ जाए। कब? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे हैं, और ये मुस्तदरक हाकिम में है। मुस्तदरक उस किताब को कहते हैं कि जो इदराक करती हो उन चीजों का जिसको सही बुखारी और सही मुस्लिम ने छोड़ दिया हो, उन्हीं तरह उन्हीं शरायत के ऊपर जो शरायत बुखारी और मुस्लिम की है, उन्हीं शरायत को जिन उन्हीं शरायत के मातहत जिन अहादीस को कबूल किया जाए उन किताबों में ना हो, जिस किताब में नकल कर दिया जाए उसे मुस्तदरक का। इमाम हाकिम हुजूर फरमा रहे, आखिरी बात, रहमत शुरू हो गई, शुरू हो गई इंशाअल्लाह, कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत में से ऐसे ही हिस्सा मिलेगा इंशाअल्लाह। बनाना नहीं है, आज भीगते हो तो भीगते रहो इस उम्मीद पर ताकि अल्लाह कयामत को जब सूरज सामने लेने पर होगा रहमत उस समय का आदत फिर अता करवा दे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया लिल अंबिया मनाबिरुन, क्या फरमाया? तवज्जो रखिए, लिल अंबिया नबियों के लिए मिंबर होंगे। यज निशून आई हा, हिलना जुलना नहीं, सब बैठ गए, सब बैठ गए, सारे बैठ जाए। आखिरी बात करके छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा आपको। फरमाया कयामत के दिन, कयामत के दिन नबियों के मेंबर पीछे होंगे, जो हुजूर का आशिक है वो भागता हुआ नजर नहीं आएगा, वो बैठा हुआ नजर आएगा। जो पराए नाम आशिक है वो अभी भूलेगा, जगह मैं गिर जाऊं बच जाऊं, लेकिन हम इस उम्मीद में बैठे हैं हुजूर आज भीगते हैं तो भीग जाए ताकि आए मनावे नबियों के मिंबर होंगे। बोलिए नबियों के, सुनियो बोलो, आज तुम्हारी सुनती है, आज उसकी उसका रब हो जाएगा अगर तुम नहीं मानोगे। अगर बारिश में बैठ के बोलोगे तो मैं गवाही दूंगा हुजूर यही पक्के हो सच्चे सुनी थे। लिल अंबियाए मनाबिर, नबियों के लिए कयामत के दिन मिंबर होंगे। यदि रसूल अलैहा नबी उन मिंबरों पर बैठे होंगे, वह यब का मिंबरी, हुजूर ने फरमाया मेरा मिंबर खाली होगा। नबियों के मिंबर होंगे, हर नबी अपने मिंबर पर बैठा होगा। वह यब का मिंबरी, मेरा मिंबर खाली होगा, बाकी होगा, मैं बैठूंगा नहीं। ना अजिश वाले फरमाया काई मुक्ताई नहीं रही रब्बी, हुजूर फरमाते मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं। من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, समझ आया? हर एक को अल्लाह की बारगाह में शफात का इज्जत नहीं है, ये वही है मिंबर बिछा हुआ है, बैठ नहीं रहा, कुछ बर्दाश्त करने के लिए खड़ा है, नहीं बैठूंगा, आएगा मैं खड़ा हो रहूंगा।
بین یدی ربی اپنے رب کے سامنے مخافتا رحمت للعالمین کی شان بتانے لگا ہوں مخافتا سنیو تمہارے لیے مخافتا مجھے خوف ہوگا کیا ایب عصفی ربی الی جنہ کہیں اللہ مجھے جنتی نہ بھیجے سنیے آئی یب عصبیل الجنہ کہیں اللہ مجھے جنت نہ بھیج دے کیوں وَيَبْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي میں جنت چلا جاؤں اور کہیں میرا امتی کوئی باقی نہ رہ جائے میں جنت چلا جاؤں اور کہیں میرا کوئی امتی باقی نہ رہ جائے لہذا بیٹھنا بھی ضروری ہے پر امتی کو جنت میں بٹھانا بھی ضروری ہے ممبر پہ بیٹھنا بڑا ضروری ہے جنت میں جا کے پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے ایک منٹ فاہولوں میں کہوں گا یا رب امتی امتی اے اللہ میں ممبر پہ تب بیٹھوں گا جب میرے امتی کو اپنے ممبر پہ بٹھا دے فیقول اللہ یا محمد اللہ فرمائے گا اے محمد ما تريد ان اصنع بامتي تو کیا چاہتا ہے میں تیری امت سے کیا کروں فاقول یا رب عجل حسابہ اے اللہ ذرا ان کے حساب میں جلدی کر دے سورج سوال ایزے پہ ہے پسینے میں شرابون ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا ان کو دیکھ کے مجھے برداشت نہیں ہوتا